नमस्कार, मैं राहुल भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हिंदू ज्योतिष में। आज मैं आपके सामने विषय लेकर के आया हूं गणेश उत्सव। श्री गणेश उत्सव क्यों मनाया जाता है और किस दिन हमें गणेश उत्सव मनाना चाहिए। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मध्याह्न काल में स्वाति नक्षत्र के अंदर सिंह लगन के अंदर भगवान गणेश का जन्म हुआ था, ऐसा हमारे पुराणों का और शास्त्रों का मानना है। भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ, इसीलिए इस दिन को हम भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। सन 2019 में 2 सितंबर 2019 को गणेश उत्सव की शुरुआत होगी। इस दिन बप्पा को सभी अपने घर लेकर के आएंगे। इस दिन चतुर्थी के दिन अगर रविवार या मंगलवार पड़ जाए तो इसे महाचतुर्थी भी कहा जाता है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक आप वीडियो को शेयर करें। साथियों, गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करना वर्जित होता है। इस चतुर्थी को हम कलंक चतुर्थी भी कहते हैं। जो व्यक्ति इस दिन चंद्र दर्शन करता है उसके ऊपर आरोप अवश्य लगता है। इसके पीछे का कारण क्या है, आइए जानते हैं। मां पार्वती जब स्नान कर रही थी तो अपनी मैल से मां पार्वती ने एक मूर्ति बनाई और जिससे प्राण जिसके अंदर मां पार्वती ने डाल दिए और भगवान गणपति का जन्म हुआ। और भगवान गणपति को उन्होंने उस भवन के जहां वे स्नान कर रही थी उसके द्वार पर अपने पहरे के लिए खड़ा कर दिया। जब भगवान शंकर वहां आए तो भगवान शंकर को गणेश जी ने अंदर जाने से मना कर दिया, जिससे क्रोधित होकर के भगवान शंकर ने भगवान गणेश पर प्रहार कर दिया और भगवान गणेश की गर्दन को शरीर से अलग कर दिया, जिससे क्रोधित होकर मां पार्वती बहुत ही गुस्से में तांडव करने लगी। सभी देवी देवता इकट्ठे हुए व मां पार्वती को शांत किया। साथ ही भगवान गणेश को एक गज हाथी का सिर लगा दिया। सभी देवी देवता इस बात से बहुत ही दुखी हो रहे थे कि भगवान शंकर ने गणेश जी पर प्रहार किया, परंतु चंद्रमा हंस रहा था। भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि को जो व्यक्ति भी चंद्रमा के दर्शन करता है उस व्यक्ति के ऊपर कलंक जरूर लगता है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2 सितंबर 2019 को जो समय है चंद्र दर्शन, जिस समय में आपने नहीं करने हैं वह क्या समय है। अगली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।